ब्रॉट टू यू बाय ओमनी जेल। ओमनी जेल का डाइक्लोफेनेक फॉर्मूला जड़ से दर्द को मिटाता है। ओमनी जेल इंडिया का नंबर वन पेन रिकवरी जेल। एयरक्राफ्ट्स, चॉपर्स, फाइटर प्लेन्स, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सबसे पहली इमेज सोचिए जरा। हमारा दिमाग अमूमन इन सभी चीजों को मैस्कुलिनिटी से जोड़कर देखता है। नतीजा इमेज भी कुछ वही बनती है। वॉर जोन में जाता पुरुष, हैवी मशीनरी को हैंडल करता पुरुष, चॉपर या फाइटर प्लेन उड़ाता पुरुष। आज हम इसी स्टीरियोटाइप, इसी इमेज को तोड़ने वाली इंडियन एयरफोर्स की महिला पायलट से मिलवाने आपको लेकर चलेंगे चाइना बॉर्डर। सबसे पहले मिलिए भारत में सुखोई SU-30 MKI फाइटर जेट की पहली महिला वेपन सिस्टम ऑपरेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी से। सुखोई के पिछले कॉकपिट में जो सेंसर्स और हथियारों के पैनल्स होते हैं, तेजस्वी उन्हें बखूबी हैंडल करती हैं। तेजस्वी ने न्यूज एजेंसी ANI से अपने काम, अपनी ट्रेनिंग और एयरफोर्स में महिलाओं की लगातार मजबूत हो रही मौजूदगी के बारे में बात की। उन्होंने कहा, हमसे पहले तमाम बुद्धिमान महिलाओं ने पुरानी धारणाओं को तोड़ा है, हमें सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखाया है, हौसला दिया है ताकि हम अपने देश की सेवा कर सकें। एयरफोर्स की ट्रेनिंग के बारे में तेजस्वी बताती हैं, पुरुषों और महिलाओं की ट्रेनिंग में कोई फर्क नहीं होता, हमारा ट्रीटमेंट एक जैसा होता है, ट्रेनिंग के मेथड्स एक जैसे होते हैं, हम सब बराबर हैं और हमारा एक ही मकसद है, अपने देश की सेवा करना। जब तेजस्वी से चाइना बॉर्डर पर चल रहे ऑपरेशन में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें ट्रेनिंग के दौरान ऐसे ऑपरेशंस के लिए हर दिन तैयार किया जाता है, ये उसी ट्रेनिंग का एग्जीक्यूशन है। उन्होंने आगे बताया कि हम चीन बॉर्डर पर आने वाली हर चुनौती के लिए हरदम तैयार हैं। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना में इस समय 1300 महिला अधिकारी ग्राउंड और एयर ड्यूटी कर रही हैं, अपनी काबिलियत का परिचय दे रही हैं और उन्हीं में से एक हैं तेजस्वी की तरह सुखोई SU-30 MKI उड़ाने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट साक्षा वाजपेयी। साक्षा ने अपनी ट्रेनिंग के बारे में बात की। उन्होंने कहा, हमारे ट्रेनिंग मिशंस न सिर्फ हमें वास्तविक ऑपरेशंस के लिए तैयार करते हैं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के ध्येयवाक्य नभ स्पर्शम दीप्तम यानी गर्व के साथ आकाश को छूने, इसे जीने का भी मौका देते हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध चल रहा है। भारतीय वायुसेना खुद को आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार कर रही है, चाहे वो सुखोई SU-30 MKI विमानों की मदद से ईस्टर्न बॉर्डर इलाकों की रेकी करना हो या महिला पायलट्स को फ्लाइट ऑपरेशंस का अहम हिस्सा बनाना। इसी क्रम में पहले पहल एयरफोर्स ने 3 महिलाओं अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और शिवांगी सिंह को फाइटर स्ट्रीम का हिस्सा बनाया था। भावना कांत ने जहां अकेले MIG-21 उड़ाया, शिवांगी राफेल फाइटर जेट की पायलट बनी, वहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनी अवस्थी और ANN LAC के नज़दीक दुर्गम इलाकों में ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं। और अब तेजस्वी और साक्ष्या समेत तमाम महिला पायलट्स वायु योद्धा बनकर हर मोर्चे पर अपने साहस का परिचय दे रही हैं। जाते जाते बस इतनी उम्मीद है कि ये बेहद ज़रूरी पहल महिलाओं से जुड़े स्टीरियोटाइप्स को तोड़ती रहेगी, महिलाओं के कार्य क्षेत्र में लगातार विस्तार करेगी, मिसाल और हौसले के नए आयाम पेश करेगी और फिर क्या ज़मीन क्या आसमान। शुक्रिया। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है लल्लन टॉप की गुजरात यात्रा। गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है लल्लन टॉप की टीम आपके शहर। हम पहुंच रहे हैं वडोदरा और अहमदाबाद और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनव। कब जा रहे हैं हम अभिनव? 1 से 4 अक्टूबर के बीच हम आपके शहर आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बतियाएंगे, आप हमको सजेशन दीजिए, इतनी सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गरबा कहाँ खेला जाता है। हम भी चलेंगे, गरबा खेलेंगे, गुजराती खाना खाएंगे और उसके बाद खूब सारी स्टोरीज इनके लिए ले आएंगे। लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना है। कहाँ पे सजेशन देंगे? chunav@lallantop.com पर। फटाफट अपना सजेशन हमें मेल कर डालिए, बताइए हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है, आपके बीच आपका लल्लन टॉप आ जाएगा। जल्दी मुलाकात होगी।